हेलो दोस्तों, मैं विनोद। आज हम लोग जानेंगे SBI डेबिट कार्ड या SBI ATM कार्ड में किस तरह से डोमेस्टिक सर्विसेज, इंटरनेशनल सर्विसेज या ई कॉमर्स सर्विसेज को एक्टिव किया जाता है, और साथ साथ जानेंगे किस तरह से ये सारे चीज को इनएक्टिव भी किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से SBI डेबिट कार्ड में डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो या ई कॉमर्स सर्विसेज को एक्टिव करेंगे या इनएक्टिव करेंगे। इसके लिए आपको SBI का यूनो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपके फ़ोन में SBI का यूनो ऐप नहीं है तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे यहाँ देख सकते हैं कि SBI का यूनो ऐप डाउनलोड किया गया है। तो सिंपल सा क्या करना है, लॉगिन करना है। मैं लॉगिन करता हूँ, आप अपना यूनो SBI कार्ड का ऐप्स में लॉगिन कीजिए। SBI का ऐप्स में लॉगिन करते ही इस तरह का आपका डैशबोर्ड दिखाएगा। डैशबोर्ड का लेफ्ट साइड का ऊपर कॉर्नर में देख सकते हैं, मैंने एरो करके दिखाया है, 3 डैश जो दिखा रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही इस तरह का आपके पास मेनू बार आ जाएगा। देख सकते हैं ये सारे मेनू बार आपके पास आ जाएगा। मेनू बार में दोस्तों देखिए सर्विस रिक्वेस्ट दिया है, मैंने एरो करके दिखाया है सर्विस रिक्वेस्ट। ये सर्विस रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। ऊपर से देखिए होम, डिपॉजिट, लोन, इन्वेस्ट, इंश्योर, शॉप एंड ऑर्डर, यूनो पे, कार्ड्स, फिर देखिए सर्विस रिक्वेस्ट दिया है, सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक। सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर इस तरह का इंटरफेस दिखाएगा दोस्तों। अब आप यहां देख सकते हैं ATM डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिखा रहा है। देखिए ATM डेबिट कार्ड ब्लॉक या एक्टिव, इस पर आपको क्लिक करना है। मैंने एरो से दिखा, ये एरो जहां दिखा रहा है ATM या डेबिट कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही ये दिखाएगा प्रोफाइल पासवर्ड, यानी इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड आपका यहां पर, अपना इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड को यहां पर डालकर सब पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों देखिएगा इस तरह का दिखाएगा सर्विस रिक्वेस्ट ATM या डेबिट कार्ड। इस तरह का आपके स्क्रीन पर एक इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैनेज कार्ड जो दिया है उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। मैनेज कार्ड पर क्लिक कीजिए। अब आप यहाँ से सेलेक्ट अकाउंट कर लीजिए, आप अपना अकाउंट को सेलेक्ट कर लीजिए, अपना कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से जिस तरह से मैंने यहाँ दिखाया है एरो देकर, यहाँ से आप अपना अकाउंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको अपना कार्ड को यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आप मैनेज यूजेस पर क्लिक कीजिए। मैनेज यूजेस पर क्लिक करते ही दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स, डोमेस्टिक यूजेस एंड इंटरनेशनल यूजेस। ये देखिए सारे चीज़ इनएक्टिव किया है, इनको आपको एक्टिव करना पड़ेगा। अब आपको देखिए जैसे ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स है, जस्ट उसको एक्टिव कर देना है। फिर देखिए मैंने डोमेस्टिक यूजर्स को भी एक्टिव कर दिया है। अगर आप चाहते हैं इंटरनेशनल यूजर्स को भी एक्टिव करना, तो इसको भी आप इधर से हटका के एक्टिव कर सकते हैं, या आप इंटरनेशनल यूजर्स को एक्टिव नहीं करना चाहते हैं तो इनएक्टिव रहना चाहते हैं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर इंटर करना है। प्लीज इंटर OTP सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो OTP आता है, इस मोबाइल उस OTP को यहाँ पर डालकर उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट पर क्लिक कीजिए। आपके पास इस तरह का मैसेज आ जाएगा कि आपने जो वाईफाई को ऑन या ऑफ किए हैं वो सक्सेस हो गया है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाने SBI ATM या डेबिट कार्ड में किस तरह से डोमेस्टिक सर्विसेज, इंटरनेशनल सर्विसेज या ई कॉमर्स सर्विसेज को एक्टिव या इनएक्टिव किया जाता है।